देश की आजादी के लिए। और ये आप सीधी तस्वीरें राजघाट से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के राजघाट की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, और हर बार ये देखा जाता है कि जब खास मौका होता है तो प्रधानमंत्री राजघाट जरूर जाते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन जरूर करते हैं, उनको याद जरूर करते हैं, क्योंकि बापू ही एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसीलिए उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। और आज पुष्प अर्पित करके, नमन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन का आगाज कर रहे हैं और अब सीधे पहुंचेंगे लाल किला, जहां पर आज झंडा वंदन करेंगे और इसके बाद राष्ट्र के नाम एक संबोधन होगा। न सिर्फ राष्ट्र के नाम, तमाम उन भारतीयों के नाम वो संबोधन होगा जो विश्व के कोने कोने पर हैं और अपने देश का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, और काफ़ी खूबसूरती से ही देखिए, एक एक जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। राजघाट से पीएम मोदी लाल किले पहुंचेंगे, उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, रक्षा राज्य मंत्री भी करेंगे संजय सेठ, और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने भी उनका स्वागत करेंगे। थोड़ी ही देर में वो तस्वीर भी आप देखेंगे। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत है, और इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1037 जवानों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित आज किया जाएगा। इसमें पुलिस, फायर होमगार्ड और सिविल डिफेंस और सुधार सेवाओं के जवान शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार जो जानकारियां साझा की गई, एक दिन पहले ही 214 जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें एक राष्ट्रपति वीरता पदक और 213 वीरता पदक शामिल हैं। पुलिस के जवानों को सबसे ज्यादा 208 पदक मिलेंगे। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक तेलंगाना पुलिस के हेड कांस्टेबल चादुवु को दिया जाएगा। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को हुई डकैती के मामले में वीरता दिखाई थी, और सीआरपीएफ को सबसे ज्यादा 52 वीरता पदक दिए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के 31 लगभग जवान ऐसे हैं जिन्हें वीरता पदक मिलेगा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के 17, छत्तीसगढ़ के 15 और मध्य प्रदेश के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए जाएंगे। कितना ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, खास मेहमानों के एरिया में राहुल गांधी जाते वक्त नजर आ रहे हैं। वहां पर देखिए, देश की आजादी को हर कोई मना रहा है और इसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है। हालांकि सियासत से इतर जो राष्ट्रीय त्योहार है, हम कह सकते हैं एक त्योहार के तौर पर आज आजादी के इस जश्न को मनाया जाता है। 6000 से भी ज्यादा स्पेशल गेस्ट होंगे, इसमें किसान, युवा, महिलाएं, आदिवासी शामिल है। देखिए, आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर तमाम जो खास अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं। नीति आयोग के लगभग 1200 गेस्ट इसमें शामिल हैं, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वेलफेयर के लगभग 1000 गेस्ट शामिल हैं, यूथ अफेयर्स के 600, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के 300 गेस्ट यहां पर मौजूद हैं, पंचायती राज के 300 गेस्ट जिन्हें न्योता दिया गया, ग्रामीण विकास के 300 गेस्ट और ट्राइबल अफेयर्स के 350 गेस्टों को न्योता दिया गया, स्कूली शिक्षा और साक्षरता के 200 से भी ज्यादा गेस्ट को न्योता दिया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 200 से भी ज्यादा गेस्ट को न्योता दिया गया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को 150 और स्पोर्ट्स के 150। यहाँ पर स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक 2024 के जो तमाम एथलीट्स हैं वो पहुंचेंगे। तो लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में इस बार 6000 स्पेशल गेस्ट होंगे। केंद्र सरकार की ओर से तमाम जितने भी स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें बाकायदा इनविटेशन भी दिया गया है। इनके अलावा 18000 ई निमंत्रण कार्ड भेजे गए और 150 महिला सरपंच को भी न्योता भेजा गया है। मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत 400 NSS जो वॉलंटियर्स हैं वो यहां पर हैं, माई भारत योजना के 100 लाभार्थी और पीएम श्री स्कूलों के
स्टूडेंट्स भी यहां पर मौजूद है। सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल हो रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी है, बापू को नमन किया है। आज नतमस्तक होने वाला दिन है, आज उन वीर जवानों को याद करने वाला दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया, खुद का बलिदान दे दिया एक तरह से। उन परिवारों के लिए भी आज महत्वपूर्ण दिन है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपनों को खोया है। हालांकि आज देखिए कुछ ही समय बस बचा हुआ है जब 7:30 बजने वाले हैं और आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे थोड़ी ही देर में लाल किले पर, जब उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते नजर आएंगे। और एक बार फिर से आपको राजघाट के कुछ ही मिनट पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं जब राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। देखिए राजघाट को भी कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अब दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वास्तविक जो प्रेरणा है वो महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही आई थी और उनके नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह के सिद्धांत व्यापक रूप से जाने गए और गांधी के शांतिपूर्ण विरोध में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों को जन्म दिया। और जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश नियंत्रण को कमजोर किया, स्वतंत्रता की मांग अजय हो गई। कई स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के साथ साथ वैश्विक भू राजनीतिक परिवर्तनों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत को अंततः 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया जिसने 200 से अधिक वर्षों के औपनिवेशिक शासन को समाप्त किया और एक आजाद राष्ट्र बनकर सामने आया। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन करने पहुंचे। दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है लाल किला। और एक और तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे राजनाथ सिंह ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर आपके सामने है लाल किले से जहां पर तमाम वो खास मेहमान पहुंचे हुए हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है और जश्न ए आजादी में शामिल होने के लिए आज न सिर्फ देश बल्कि देश के अलग अलग अन्य देशों से भी मेहमान पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वो तस्वीरें आपको दिखा रही है, 10 तस्वीर आप देखिए। हालांकि इसमें आज की एक तस्वीर और जुड़ जाएगी, 2023 तक की तस्वीर। 2014 से ये सफर शुरू हुआ और 2023 तक कैसे पहुंचा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बहुमत के साथ जीतते आए और देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने हर बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है और ये संदेश दिया है कि भारत क्या है, भारत की जो परिभाषा है वो क्या है। और अब देखिए जिस तरीके से 2023, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप देखिए अलग अलग अंदाज में प्रधानमंत्री को यहाँ पर देखा गया और आज प्रधानमंत्री कुछ 2021 वाले लुक में नजर आएंगे आपको, जब उन्होंने हल्के से आसमानी रंग का जैकेट पहना हुआ है और साथ ही सबसे ज़्यादा चर्चा में उनकी ये पगड़ी रहती है और उनकी पगड़ी इस बार भी बहुत ही खास है, बहुत ही अलग डिज़ाइन की पगड़ी है उनकी। इस चीज़ को देखने के लिए भी कई सारे लोग जो हैं इंतज़ार करते हैं बेसब्री से कि आज लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री को देखेंगे तो क्या हटके और क्या नया होने वाला है। और जब इंतज़ार देशवासी कर रहे हैं तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला, अब बहुत कम समय है जब प्रधानमंत्री लाल किले पर आपको नजर आएंगे और यहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ और यह अवधि लोगों के विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा के लिए जानी जाती है जो इतिहास का एक दुखद अध्याय भी रहा है। लेकिन उसके बाद जब आजादी का जश्न मना, आप देखिए हर कोई इस जश्न में शराब हो रहा और सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था और आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा उन्होंने घोषणा की। और आज भी आप देखिए कि 24 घंटे प्रधानमंत्री काम करते हैं देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, एक विकसित राष्ट्र के लिए। बिल्कुल, और ये हमें मोटिवेट करता है, यही चीज़ें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये बताती है कि काम और देश, देखिए कितना ज़्यादा देश के लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंच